किसानों की ट्रैक्टर रैली पर शायद ही अब सरकार कोई रोक लगा सके। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का अब ट्रैक्टर रैली में कोई दखल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि हम किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक नहीं लगा सकते। कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप अर्जी वापस ले सकते हैं, इस मामले में आप अथॉरिटी हैं कि आप ही डील कीजिए। यह ऐसा मामला नहीं कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ले ली। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किसानों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसके खिलाफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दे। वही किसान महापंचायत के वकील ने बताया कि किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उसके एक सदस्य के अलग होने के बाद किसान महापंचायत ने फिर से कमेटी बनाने की अर्जी लगाई है। वहीं नए कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की मंगलवार को पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ पहली मीटिंग 21 जनवरी को की जाएगी, जो किसान संगठन और स्टेक होल्डर आना चाहेंगे उनसे आमने सामने बैठकर बात करेंगे। जो नहीं आ सकते हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने के इंतजाम किए जाएंगे। घनवट ने कहा कि अगर सरकार भी हमसे बातचीत करना चाहे तो स्वागत है, हम उनकी बात भी सुनेंगे। सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन कर रहे किसानों को बातचीत के लिए बनाना है। इसके लिए हम अपने स्तर पर पूरी कोशिश करेंगे। यहां आपको बताते चले कि कोर्ट ने 12 जनवरी को 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। समिति के सदस्य अनिल घनवट ने बताया कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई नया सदस्य नियुक्त नहीं करती है तो मौजूदा सदस्य अपना काम करते रहेंगे। हमें क्या करना है इसकी जानकारी कोर्ट से मिल गई है। बताते चले कि मोदी सरकार के नए नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। अदालत ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को अपनी अर्जी वापस लेनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी को लेकर उठ रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया दिखाया। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कहा कि आपको कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना मत हो, लेकिन किसी को इस तरह ब्रांड ना करे। इस तरह किसी की छवि को खराब करना सही नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.